डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सर्विंग नाउ टुडे वी विल गो फॉर लेसन नंबर सेवन इसके पहले लेसन में हमने देखा कि हाउ वी कैन सिलेक्ट द स्केल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैप एंड देन बाय हाउ रिप्रेजेंटेशन फैक्टर इज कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल डिस्टेंस और हमने फिर वन एज टू वन थाउजेंड का मीनिंग क्या होता है दैट ऑल्सो वी हैव सीन एंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैप हाउ द स्टैंडर्ड स्केल्स आर चूजन दैट ऑल्सो वी हैव सीन सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ़ द ग्राउंड एरिया एंड द टाइप ऑफ द मैप एंड वॉट इज द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिस्टेंस टू बी शोन ऑन द मैप हमको एक प्रकार से किसी मैप के लिए हम लोग स्केल चूज कर सकते सो ऑल दैट वी हैव सीन नाउ विद दिस वेन एवर वी गो फॉर इंजीनियरिंग मैप तो हमको तो पहले हमारे जो एग्जिस्टिंग मैप है हमारे पूरे इंडिया का बोलो या फिर महाराष्ट्र का या फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक का

वो टोपोशीट आपको उनके पास में वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सो इन ओल्डन डेज ऑल द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट उसका पूरा सर्वे हो चुका है एंड व्हाट द टोपोग्राफी वाज देयर उसके हिसाब से हर एक इसकी टोपोशीट यानी मैप शोइंग द टोपोग्राफी ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्राउंड तो जो जो भी आपके ग्राउंड फीचर्स है पर्वत है पहाड़ियाँ है रोड है नाले है ग्राउंड है जंगल है वॉट सिटी है सारा चीज ऑल दैट इज शोन डिटेल इन द टोप्राफिकल शीट तो ये जो सारे मैप्स है इसको हमको भी बनाना है सो वी मस्ट नो दैट व्हाट आर द मैप प्रोजेक्शंस आर देयर व्हाट इज द नंबरिंग सिस्टम फॉर द मैप एंड व्हाट इज द ले आउट एलिमेंट्स इन द मैप सो फॉर दैट नाउ इन दिस लेसन वी विल सी दैट वट आर द टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शंस आर देयर देन वॉट इज द सिस्टम ऑफ टोपोशीट नंबरिंग एंड देन वॉट इज द एलिमेंट्स ऑफ ले आउट ऑफ द मैप सो इन दिस लेक्चर यू कैन सी दैट पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर अभी एक मैप दिखाई दे रहा है सो इन दिस मैप ये जो मैप का लेआउट है यहाँ पे एक पूरे बड़े एरिया का मैप दिखाया है और यहाँ पे ये ग्रीन मार्किंग में यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिखाया है अब ये जो बड़ा एरिया है ये बड़ा एरिया कहाँ से आया तो यहाँ पे एक आइलैंड दिखाया गया है ये आइलैंड की लोकेशन है और ये लोकेशन को तो लाश करके ये आइलैंड को यहाँ पे आइलैंड को बड़ा दिखाया है एंड डैट द शेडिंग वॉज शोन रेड कलर शेडिंग और ये एक्चुअली और इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो अर्थ के ऊपर ये जो आईलैंड है ये कहाँ पर बना है इसका यहाँ पर एक की मैप है की मैप पे से उसका एक एन लार्ज मैप है और उसका और एक एन लार्ज मैप है और उसका फिर एक्चुअली जो सर्वे किया ग्राउंड का उसका मैप दिखाई गए अब ये सारा यानी अलग अलग लोकेशन मैप की मैप लेआउट मैप डिटेल मैप्स दे आर शोन इन दिस मैप अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर अभी फिर हेडिंग दिया है उसका मैप का देन देर इज वन स्केल इज शोन हेयर यहाँ पे आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई गई है या अथॉरिटी कौन सी है उसने किसने सर्वे किया वो यहाँ पे दिखाया है देन देर इज वन लीजेंड शोन तो ये ग्रीन कलर शेडिंग क्या है रेड क्या है ब्लू क्या है ये शेडिंग के हिसाब से लीजेंड यहाँ पर दिया है कि किस एरिया को क्या बोलना है आपको करके एंड देन हियर द मैप प्रीपेय बाय किसने बनाया इंजीनियर का नाम देन अप्रूव्ड बाय किसने इसको सेंक्शन किया चेक किया

they are बेसिकली क्लासिफाइड into four फोर ग्रुप्स इन with विद द मैप प्रोजेक्शन सो ये जो थियरी ऑफ मैप जो है उसके हिसाब से आपका जो टाइप्स ऑफ सरफेस कैसा है और उसका टेंजेंट कैसा है वो ग्लोब के हमारे अर्थ के ग्लोब को इसके हिसाब से अलग अलग चार कैटेगरी हमारी मैप प्रोजेक्शन की बन रही है जो भी हमारे पूरे अर्थ का या वर्ल्ड का मैप या अलग अलग एरिया का मैप हम बना रहे तो उसका मैप का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस टेक्निकल वे से कर रहे हैं सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज map projection. So, one is planar or azimuthal or zenithal projection, <coughs> now we will see that. So, here we are considering the planar surface which is tangential to the globe and like way then we will try to create the projection of that ground topography on the paper. So, that is one projection system. Then another is conic projection, we are using the cone surface as a projection surface and into that we are trying to prepare the topography of the ground. So, that is another type of projection. Then cylindrical projection, <coughs> so one globe is represented by unfolding the cylinder. So, rectangular surface you will get for map, so likewise the cylindrical projection was there and other is mathematical or conventional projection obtained from the mathematical calculation. So, that is not our part in as a surveyor. बट दिस थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड यानी किसी एरिया का या अर्थ सरफेस का मैप बनाने के लिए किस टाइप के प्रोजेक्शन की सिस्टम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड सो वेरी फर्स्ट टाइप इज प्लेनर और एज्यूमथल प्रोजेक्शन सो एज यू कैन सी दैट दिस टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्शन अलाउज ए फ्लैट शीट टू टच विद द ग्लोब यानी ये जो हमारा ग्लोब है ये ग्लोब को एक हमारी जो प्लेन मैप की जो शीट है सो ऑन दिस ग्लोब वन प्लेन शीट इज जस्ट टचिंग टू दिस ग्लोब एंड द लाइट बीइंग कास्टेड फ्रॉम द सर्टन पोजीशन अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ अब ये सेंटर इसका यहां पर है तो इसके बाहर से यदि हमने ऐसा लाइट का प्रोजेक्शन किया तो ये लाइट का प्रोजेक्शन ये सरफेस पे स्पेयर पे गिरने के बाद में जो ये पिक्चर प्लेन के ऊपर मैप तैयार होगा दैट मैप वी आर ड्राइंग एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लेनर प्रोजेक्शन सो दिस प्लेन इज टेंजेंशियल टू द अर्थ ग्लोब एंड द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड देन व्हाट एवर द प्रोजेक्शन यू विल गेट ऑन दिस प्लेन पेपर दैट इज कॉल्ड एज प्लेनर प्रोजेक्शन सो दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम द इंफाइनेट डिस्टेंस दैट वी आर एज्यूमिंग एंड द ग्रुप ऑफ द मैप प्रोजेक्शन कैन बी क्लासीफाइड इन टू द थ्री टाइप्स अब ये प्लेनर प्रोजेक्शन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं जीनोमिक प्रोजेक्शन स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आर्थोग्राफिकोजेक्शन आपको मालूम है कि सारे प्रोजेक्टर्स आपके एकमे को पैरल है सो देर आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको आपके आंखों से जो दिख रहा है आप लोगों को स्टीरियोस्कोपिक व्यू दिख रहा है थ्री डायमेंशनल दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन एंड जीनोमिक प्रोजेक्शन दैट इज पर्टिकुलरली लाइट इज डिस्टेंस लाइट इज कमिंग फ्रॉम द लॉन्ग वे

Then another type is there, which is conical projection. So in the conical projection, the type of the projection used is conic surface to touch the globe when light is cast अब यहाँ पे हमने क्या किया है एक ऐसा पेपर का कोन बनाएंगे और वो स्पीयर को ऊपर ऊपर से डालेंगे तो ये कोनिकल सरफेस के ऊपर यदि बाहर से लाइट आया तो ये प्रोजेक्शन क्या बनेगा ये कागज के ऊपर सिलेंडर कोन के ऊपर वो उसको खोलने के बाद में आपको ऐसा नक्शा मिलेगा सो दीज आर द सेमी सर्कल्स दे आर द मेरिडियन और ये हमारे लॉन्गिट्यूड है रेडियल डायरेक्शन से निकल रहे वो और उसके हिसाब से ये कोन को अनैप करने के बाद में अनफोल्ड करने के बाद में आपको ये ऐसा सरफेस मिलेगा एंड दिस इज द प्रोजेक्शन वी गॉट आउट ऑफ कोनिक प्रोजेक्शन सो फॉर ए पोलर रीजन हम लोग इस प्रकार का कोनिकल प्रोजेक्शन इस्तेमाल करके वहां का नक्शा बना बना सकते हैं सो हियर द टेंजेंट एरिया ऑफ द कोनिक प्रोजेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज सेंट्रल कोनिकल प्रोजेक्शन टेंजेंट कोन और सेकंड कोन प्रोजेक्शन एंड द पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन तो अब ये जो कोन है इसके एंगल भी हम लोग अलग अलग ले सकते हैं एंड विद दैट डिफरेंट कोनिकल प्रोजेक्शन वी कैन हैव सो दिस इज द सेकंड सिस्टम ऑफ मैप प्रोजेक्शन देन थर्ड सिस्टम इज सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन इन द सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन इट इज एज्यूम दैट कि हमारा अर्थ का ग्लोब जो है उसको हमने एक सिलेंडर में रैप कर दिया so सो सिलेंडर टाइप प्लेन पेपर वी आर रैपिंग अराउंड जो प्रोजेक्शन बनेगा उसको अनरैप करेंगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर एरिया मिलेगा और वो रेक्टेंगुलर एरिया के ऊपर आपका ये जो पूरा ड्राइंग है मैप है वो दिखेगा

80 डिग्री <coughs> 80 डिग्री ईस्ट टू 80 डिग्री नॉर्थ सो इक्वेटोर से 80 डिग्री ऊपर और इक्वेटोर से 80 डिग्री नीचे यानी ये इक्वेटोर से 80 डिग्री ऊपर 80 डिग्री नीचे इतना जो बीच का बेल्ट है ये बेल्ट का नक्शा बनाने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं सो वी आर कास्टिंग द प्रोजेक्शन ऑन द सिलेंड्रिकल सरफेस एंड आफ्टर अनरैपिंग दैट सिलेंडर वाट प्रोजेक्शन ऑफ द मैप यू विल गेट

तो यहाँ के जो डायमेंशन है वो आपके स्टैंडर्ड या पैरल डायमेंशन आएंगे बराबर एग्जैक्ट डायमेंशन आएंगे और जैसा जैसा इससे ऊपर और नीचे जाएंगे तो वहां पे आपका स्केल का एक्सपेंशन होगा और यहां पर भी स्केल का एक्सपेंशन होगा क्योंकि अर्थ का सरफेस कर्व है और उसको आप प्लेन पेपर पे ला रहे हैं तो स्केल का एक्सपेंशन होगा आपका सो so, ऊपर और नीचे में आपके मैप में एक्सपेंशन होगा स्केल का सो अकॉर्डिंगली द करेक्शंस यू टू मेक अब ये हो गया हमारे टेंजेंट सिस्टम में यदि इसको हम लोग सेकंड सिस्टम में एज्यूम करते हैं तो ये सिलेंडर थोड़ा सा अंदर चिपका हुआ है यहाँ पे यानी यहां पर क्या होगा कि ये यहाँ के जो ये जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है स्केल का वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं सो यू कैन यूज द स्मॉलर डायमीटर ऑफ सिलेंडर फॉर पर्टिकुलर अर्थ ग्लोब सो हियर दिस ये जो बीच का पार्ट है ये पार्ट हमारा सिलेंडर से रैप कर लिया हमने तो सिलेंडर थोड़ा अंदर गया है तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा अंदर में होगा सो देर इज ए लेस स्केल एक्सपेंशन पे डायमेंशन में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि कर्वेचर को हम लोग ज्यादा सीधा नहीं करने वाले थोड़ा सा सीधा करने वाले सो सो बिकॉज द सिलेंडर डायमीटर इज लेस हियर लेकिन जो आउटर सर्फेस है एकदम यहाँ का इक्वेटोर पे का उसको हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रेस करना पड़ेगा तो नक्शे के अंदर बीच का पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्केल का कॉम्प्रेशन होगा और नीचे और ऊपर का जो पार्ट है वहां पे स्केल का एक्सपेंशन होगा सो सेकंड सिस्टम आप सिलेंडरिकल प्रोजेक्शन यू कैन यूज हियर सिमिलरली इन द कोनिक प्रोजेक्शन आल्सो दिस कोन इज यूज पर्टिकुलरली एज ए टेंजेंट कौन यानी कोन सिर्फ सिलेंडर अपना स्पीयर को टच कर रहा है सो कौन इज टचिंग टू द स्पीयर सो इट इज टचिंग एट द वन पर्टिकुलर सर्कुलर लाइन अलॉन्ग दैट लाइन सो दैट लाइन इज शोन हीर और फिर ये कोन को अनरैप करने के बाद में आपको ऐसा कोनिकल जो है ये मैप uh, मिलेगा आपको सो हियर अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपका जो नीचे का एरिया है उसमें वहां पे स्केल का एक्सपेंशन होगा ऊपर के एरिया में आपका <coughs> स्केल का कंप्रेशन होगा सो ऑन दब ये सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर दोनों तरफ आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा तब जाके आपका मैप तैयार हो गया एंड टू अवॉइड दैट यू कैन यूज द सेकंड सिस्टम ऑफ कोन सो हियर ये जो कोन है उसका डायमीटर हमने थोड़ा छोटा कर दिया तो ये अंदर से थोड़ा पास हो रहा है सो द सरफेस इज अर्थ सरफेस इज गोइंग लिटिल बिट आउटर तो ये बीच का जो एरिया है ये वाला पार्ट ये पार्ट यहां पे आपको टू डायमेंशनल मिलेंगे आपको कोनिकल सिस्टम सो हियर देर विल बी ए स्केल कॉम्प्रेशन और उसके अंदर में आपको स्केल का आपको एक्सपांशन कंप्रेशन uh, होगा और बाहर में एक्सपांशन होगा एंड दैट वे यू कैन देन अप्लाई द लिटिल बिट करेक्शन सिमिलरली इन द यानी प्लेनर प्रोजेक्शन सिस्टम पे अर्थ सरफेस को हमारा प्लेन टेंजेंट है ऐसे प्रकार से हमने किया एंड इट इज टचिंग टू द वन पॉइंट ओनली सो इन दैट वे तो ये यह यहाँ का जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो यहाँ पे दिखेगा लेकिन बाकी के सारे डायमेंशन आपको ऐसे एक्सपांड हुए वाले दिखेंगे बिकॉज द अर्थ ग्लोब को हमने ऐसा प्लेनर पे एक्सपांड किया ओपन किया टेंजेंट प्रोजेक्शन लेकिन इसको यदि हम लोग टेंजेंट को थोड़ा अंदर दबाते तो सेकंड सिस्टम ऑफ टेंजेंट सिस्टम यू कैन अप्लाई तो यहाँ पे आपको ये बीच के इसमें के जो यहाँ के डायमेंशन है सॉरी सो डायमेंशन अंदर इसके अंदर का जो डायमेंशन है ये कॉम्प्रेशन स्केल कॉम्प्रेशन होगा यहाँ पे और इसके बाहर के आउटर सर्कल में स्केल का एक्सपेंशन होगा सो लाइक वे डिफरेंट सिस्टम ऑफ मैप प्रोजेक्शन वी कैन एज्यूम फॉर प्रिपेयरिंग अर्वे मैप ऑफ ए लार्जर एरिया और अर्थ ग्लोब सर्फेस सो दैट यू टू अंडरस्टैंड नाउ विथ ऑल दिस यदि अब हमको इंडिया का पूरे मैप बनाना है सो इंडिया इज ऑन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस एक अर्थ के स्पीयर पे इंडिया हमारा एक जगह पे है तो उसके भी जो मैप बने हैं इसका हरेक हरेक अपने अपने कंट्री ने उसका नंबरिंग किया है ड्राॅइंग शीट का तो आप इंडिया सर्वे ऑफ इंडिया के पास में जाके टोपोशीट आप मांग सकते हो सो देर इज नाउ वन सेंटर इन द हैदराबाद सो द सैटेलाइट कार्टोसेट सीरीज जो है हमारे सैटेलाइट की वो हमारे अराउंड द और सरफेस रोटेट हो रही है ऑर्बिटल में एंड so, दे आर टेकिंग द पिक्चर एंड फ्रॉम दैट पिक्चर द रियल टोपोग्राफिक मैप्स आर गेटिंग अपडेटेड नाउ इन द कंप्यूटर सिस्टम सो दैट मैप ऑल्सो यू कैन प्रोक्योर द टोपोशीट के मैप भी हम लोग प्रोक्योर कर सकते हैं आर पर्टिकुलरली विद द पर्टिकुलर स्केल वन एस टू फिफ्टी थाउजेंड के स्केल से या वन एस टू ढाई लाख के स्केल से आपको टोपोशीट के मैप आपको भूमि अभिलेख कार्यालय में भी मिल जाएंगे लैंड रेवेन्यू ऑफिस के अंदर आपको मिल जाएंगे सो फॉर लार्ज बिग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वी हैव टू स्टार्ट विद द टोपोशीट टोपोशीट पर से आपको पहले डिटेल लेना पड़ता है और बाद में वहाँ से फिर आपका अलग अलग बाकी का जो डिटेल मैप का प्रिपरेशन है वो आपको करना पड़ता है अब सबसे छोटे से छोटी कितना एरिया आपका एक टोपोशीट में आता है सो so उसके लिए टोपोशीट का नंबरिंग कैसे किया जाता है यह सिस्टम हम लोग अभी यहां पर समझने वाले हैं सो हाउ द आर नंबर्ड फॉर कंट्री इंडिया सो फॉर इंडिया द टोपोग्राफिक मैप्स प्रोवाइड द ग्राफिकल पोर्टले ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ हमारे इंडिया के लिए जो भी अर्थ के जो सरफेस है उसका रिप्रेजेंटेशन हमारे टोपोग्राफिक मैप में किया जाता है सो दिस मैप प्रोवाइड द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट द टेरेन तो जो भी हमारी जमीन की बनावट है जो हमारे पर्वत है नदियां है नाले है हिल्स है रोड है जो भी टोपोग्राफी ऑफ द ग्राउंड है टेरेन ये सारा इसके अंदर इंफॉर्मेशन ये टोपोग्राफिक मैप के अंदर दिखाया होता है टेरेन मैप और टोपोग्राफिक मैप यू कैन से नाउ हियर द वेरी यूजफुल इंजीनियरिंग वर्क के लिए ये सारे टोपोशीट हमको पहले रेफर करनी होती है तो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया द टोपोग्राफिक मैप आर अवेलेबल विच आर प्रीपेयर बाय द सर्वे ऑफ इंडिया जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे इंडिया के लिए जो हमारी एजेंसी है सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने ऑलरेडी पहले इंडिया को पूरे मैप में डिवाइड करके उसके टोपोग्राफिक के मैप पब्लिश किए ऑफिशियल यू कैन विजिट टू द वेबसाइट ऑल्सो एंड यू कैन डिमांड फॉर पर्टिकुलर टोपोशीट सो यू हैमाउंट फॉर दैट डिटेल मैप। सो टू मुझे, तो मुझे अमरावती के किसी पर्टिकुलर एरिया का टोपोशीट का मैप मंगना है तो वो टोपोशीट का नंबर कितना है <coughs> वो टोपोशीट का नंबर यदि मुझे मालूम नहीं होगा तो वो वो मैप मैं नहीं मंगा सकता हूँ तो पहले मुझे टोपोशीट को नंबरिंग कैसे किया जाता है ये मुझे मालूम होना चाहिए ये मालूम हो गया तो पर्टिकुलर एरिया कौन से टोपोशीट में है उसके हिसाब से टोपोशीट का नंबर बता के हम लोग टोपोशीट को अक्वायर कर सकते या वो नंबर के टोपोशीट में हम लोग हमारा एरिया देख सकते सो जैसा अमरावती सिटी का मैप है तो अमरावती सिटी का डीपी प्लान बनाने के लिए आपको पहले अमरावती की टोपोशीट जो है उसको हमको गिनना पड़ेगा तो आपको ये बताना है अभी ये क्वेश्चन है आपके लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अमरावती सिटी का टोपो शीट के नंबर कहां से कहां तक है सो दैट इज द क्वेश्चन विथ यू अब हाउ ये ये शीट का नंबरिंग कैसे किया जाता है सो दैट वी विल सी द सर्वे ऑफ इंडिया तो क्या है कि ये हमारा जो अर्थ का ग्लोब है ये अर्थ के ग्लोब पे इंटरनेशनल सीरीज के हिसाब से चार डिग्री नॉर्थ और फोर्टी डिग्री नॉर्थ ये लैटिट्यूड के हिसाब से 44 डिग्री से 124 डिग्री तक का हमारा जो लैटीट्यूड है उसके हिसाब से हमारा ये पूरा एक मैप बनाया है यहाँ पर जो हमारा अर्थ का ग्लोब है वहाँ पे जो 44 डिग्री का जो हमारा लैटिट्यूड है 44 डिग्री से लेके तो 44 48 52 ऐसे चार चार डिग्री के फ़र्क के हिसाब से यहाँ पे आ गया हमारा एक डिग्री सो तो ये लास्ट वाला है 124 डिग्री का लैटीट्यूड और ये पहला वाला है 44 डिग्री का तो 44 डिग्री से 124 डिग्री तक का जो लैटीट्यूड है और हमारा जो 4 डिग्री का हमारा <coughs> 4 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ तक यानी ये चार डिग्री की लाइन है यानी विश्व ऋतु से चार डिग्री के ऊपर विश्व रुत्व जीरो डिग्री पे होता है हमारा तो चार डिग्री से आठ बारह सोलह बीस चौबीस अट्ठावीस अट्ठाईस बत्तीस चौतीस छत्तीस चालीस सो लाइक वे चालीस डिग्री नॉर्थ यानी जीरो फोर डिग्री नॉर्थ से लेके चालीस डिग्री नॉर्थ तक का ऊपर का एरिया अर्थ का और चौवालीस डिग्री यहां से ईस्ट से लेके तो एक सौ चौबीस डिग्री ईस्ट यहां तक का यानी पृथ्वी के पूर्व दिशा में चौवालीस डिग्री ईस्ट से एक सौ चौबीस डिग्री ईस्ट के बीच का एरिया और चार डिग्री नॉर्थ से चालीस डिग्री नॉर्थ तक का इतना एरिया इतना ग्राउंड का जो एरिया है इसको नंबरिंग किया गया है पहले अब इसको नंबरिंग कैसा किया है चार चार डिग्री में यानी चौवालीस अड़तालीस बावन छपन साठ तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ये चार चार डिग्री के ऊपर है यहां पर और होजेंटल लाइन भी चार आठ बारह सोलह बीस चौबीस अट्ठावीस बत्तीस छत्तीस चालीस चार चार डिग्री पे है तो एक शीट एक रेक्टेंगुलर ये वाला रेक्टेंगल हमारा बन गया चार डिग्री बाय चार डिग्री का इस प्रकार से एरिया को डिवाइड किया है अब जो समुन्द्र का एरिया है इसको पूरा छोड़ दिया और कोई भी छोटी सी लैंड भी आ रही होंगी वो एरिया में तो उसको नंबरिंग कर दिया जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड का एरिया आ गया यहाँ पे तो इसको भी नंबरिंग किया है और इस प्रकार से यहाँ से फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात फिर आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस सड़तीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तिरयालीस चौवालीस पैंतालीस चालीस सैंतालीस अड़तालीस उनपचास पचास सो यहाँ पे यहाँ पे आ गया आपका त्रेपन वाला ये जो शीट आ गई ये वाली त्रेपन चौपन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ ऐसा करके पूरा नंबरिंग किया गया है यहाँ पे सो so ये जो शीट है आपकी ये पूरी कवर हो गई यहां से सो so दीज आर द बेस मैप डिवाइडेड इनटू सेक्शन ऑफ फोर डिग्री लैटिट्यूड फोर डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी चार डिग्री अक्षांश चार डिग्री रेखांश चार डिग्री लैटिट्यूड चार डिग्री लॉन्गिट्यूड इस प्रकार से चार बाय चार के एरिया को एक नंबर दे दिया और उसको आपको हमको एक टोपो शीट हमने बोला है तो इस प्रकार से आपकी पूरी एक से लेके 136 तक यानी ये ये जो दिखाया एरिया ये मैंने त्रेपन नंबर का दिखाया ऐसा चौपन पचपन आगे तक गिनेंगे तो आखिरी की जो शीट है वो 136 नंबर की है तो पूरे इंडिया को पहले एक से एक से लेकर एक डिग्री के टोपो शीट में पहले बांटा गया है सो दिस इज पर्टिकुलर ये वाला एरिया लेंगे तो इसका नंबर आपको देखना पड़ेगा सो लाइक वे फॉर एग्जाम्पल दिस इज त्रेपन नंबर की हमारी टोपो शीट है ये वाला एरिया तो ये एरिया का त्रेपन नंबर का और बायफर्गेशन किया गया है अब यह सीट अपनी चार डिग्री नॉर्थ से चार डिग्री ईस्ट तक चार बाय चार डिग्री का जो रेक्टेंगुलर एरिया है उसको हमने यहां पर नाम दिया है अब इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है एंड देन वी कैन डिवाइड दैट एरिया इनटू फर्दर तो आपका ये जो एक रेक्टेंगल बन गया जिसको हमने यहां पर नंबर दिया है सो दिस इज ये त्रेपन नंबर का आ गया सो दिस इज त्रेपन नंबर की टोपो सीट अब ये त्रेपन नंबर में यहां पर आपका है छहत्तर डिग्री ईस्ट से लेकर यहां तक है अस्सी डिग्री ईस्ट तक और ऊपर में पकड़ेंगे तो ये अट्ठाईस डिग्री नॉर्थ से लेके अट्ठ बत्तीस डिग्री नॉर्थ क्योंकि चार डिग्री का लैटिट्यूड का डिफरेंस है चार डिग्री का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है तो चार डिग्री बाय चार डिग्री के एरिया में जितना ग्राउंड का एरिया आ गया उसको हमने त्रेपन नंबर दे दिया जैसा कि आप यहां पर अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये जो त्रेपन नंबर का है ये अट्ठहत्तर डिग्री से अस्सी डिग्री के बीच में और यहाँ से आ गया ये अट्ठाईस डिग्री से बत्तीस डिग्री के बीच में तो इतना एरिया जो है हमारा ये एरिया हमारा एक टोपोशीट हो गई त्रेपन नंबर की अब ये टोपोशीट के साथ में आपको जो पूरा रेक्टेंगुलर एरिया आ गया इसको हमने फिर से चार रो और चार कॉलम में डिवाइड किया है तो एक चार डिग्री की शीट आई है तो एक, एक चार पार्ट में इसको कवर करेंगे फोर रो एंड फोर कॉलम सो एक हो गया हमारा एक डिग्री एटीट्यूड और एक डिग्री लॉन्गिट्यूड का तो पहले चार डिग्री बाय चार डिग्री की शीट, शीट, शीट डिवाइड कर दिए तो पहला जो मैप था हमारा ये हो गया हमारा एक से हजार स्केल का ये जो पहला मैप था हमारा पहले वाला इसकी स्केल थी वन एस टू टेन लाख ये जो मैप है ये लाख का मैप है अब इसको हमने बायफोरेट कर दिए तो अब उसके अंदर छोटी शीट आ गई टोपोशीट और ये एक टोपोशीट आ गई अपनी वन एस टू ढाई लाख इसके हिसाब से सो so हियर अब यहां पे इसको हमने नाम दे दिया जैसा कि अब ये शीट में देखेंगे आप कि ये चार डिग्री बाय चार डिग्री का जो त्रेपन नंबर की टोपोशीट है इसको हमने ए बी सी डी ऐसा नीचे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ऐसे सोलह पार्ट में भाग डिवाइड कर दिया तो ये चार डिग्री है तो ये वाला एक डिग्री हो गया दो डिग्री तीन डिग्री चार डिग्री यानी ए नाम की जो शीट है फिफ्टी थ्री ए फिफ्टी थ्री ए ये जो शीट है ये बत्तीस डिग्री नॉर्थ से तैतीस डिग्री नॉर्थ तक आएगी यहां पे, या फिर यहां से अट्ठाईस डिग्री नॉर्थ से उनतीस डिग्री नॉर्थ तक और यहां पे ये छा छतर है तो ये छहत्तर से लेकर सतहत्तर तक यानी ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया वन डिग्री का ये इधर से हो गया वन डिग्री का सो लाइक वे एक डिग्री बाय एक डिग्री के जो ऐसे शीट है तो बड़े शीट को हमने सोलह पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसकी स्केल आगे गई वन एस टू डाई लाख और इसके हिसाब से फिर हमने इसको नंबरिंग दे दिए ए बी सी डी अब ये शीट को मैं बोलता हूं यहाँ पर यदि मेरा मैप है तो ये शीट हो जाएगी फिफ्टी थ्री जी इसका नाम हो जाएगा फिफ्टी थ्री जी फिफ्टी थ्री जी का मतलब यह है ये हो गया अट्ठाईस उनतीस उनतीस डिग्री से उनतीस डिग्री नॉर्थ से तीस डिग्री नॉर्थ ये इकतीस डिग्री है ये बत्तीस डिग्री है तो 29 डिग्री नॉर्थ से तीस डिग्री नॉर्थ का एरिया ये वाला और यहाँ पे छहत्तर है तो सतहत्तर डिग्री से ईस्ट से लेकर तो अट्ठहत्तर डिग्री ईस्ट तक तो ऐसा ये शीट हो गई हमारी जी नंबर की सो फिफ्टी थ्री जी इट रिप्रेजेंट्स द उनतीस डिग्री तीस डिग्री यहाँ पे सतहत्तर डिग्री अठहत्तर डिग्री इसके बीच का एरिया ये ये हो गया आपका सो लाइक वे हर एक शीट को सोलह भागों में डिवाइड किया गया है त्रेपन नंबर की शीट को सोलह भाग में डिवाइड कर दिया अब ये सोलह भाग में भी हमको नेमिंग देने के हिसाब से हर एक इसके अंदर भी चार कोडिंग दिए वाले तो हर एक पार्ट में यहाँ पर जैसा कि अब ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी तो ये एम सीट जो है इसके अंदर भी चार डिवीजन कर दिए यानी ये वाले जो है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिकेशन आ जाएगा उसका और ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट तो <coughs> हर एक सीट को भी फिर चार डायरेक्शन में बांटा गया चार डायरेक्शन में बांटा गया तो यदि मैं ये वाले सीट का नाम लिखूंगा तो ये जो सीट है ये हो जाएगी मेरी 53 और एम क्योंकि ए बी सी डी के हिसाब से इसका नाम आ गया एम और एम के हिसाब से ये वाला पार्ट यदि मेरा ड्राइंग होगा ये वाले पार्ट में तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट सो फिफ्टी थ्री एम साउथ ईस्ट इस प्रकार से मैं ये एरिया का इंडिकेशन टोपोशीट का नंबर मैं दे सकता हूँ सो ऐसा करके एक सोलह पार्ट कर दिया सोलह पार्ट को भी चार डिवीजन में डिवाइड कर दिया सो हर एक यहाँ पर ई e शीट है इसमें भी ई e में भी चार पार्ट रहेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे फिफ्टी थ्री e, ई थ यदि यहां पर होगा तो 53 53 ई साउथ ईस्ट सो लाइक वे हर एक पार्ट को हम लोग नंबर दे सकते हैं सो लाइक वे ऑल दीज आर द नंबरिंग गिवन टू द वन डिग्री शीट अब ये एक डिग्री शीट के अंदर जैसा हमने ऐसा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट इस प्रकार से दे दिया तो जो एक ड्राइंग शीट है उसका नंबर हो जाएगा 53, फॉर एग्जांपल ये जो है ये हो गया 53M, थ्री एम यानी एम नंबर की शीट है और उसके अंदर भी ये वाला राइट टॉप राइट सेक्शन है तो ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये टोपोशीट का नंबर हो गया हमारा यहां पे ये एक डिग्री के इसके अंदर आ जाएगा अब इस प्रकार से यदि हम लोग ये जो शीट को मैंने नंबरिंग कर दिए तो इसको हम लोग और फर्दर डिवाइड कर सकते तो अब ये फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि अब ये एक रेक्टेंगल बन गया एक डिग्री का तो अब यहां पे मैंने थोड़ा एनलार्ज व्यू ले लिया उसका तो फॉर एग्जांपल ये पहले वाले इसके अंदर हमारी एम शीट थी अब ये मैं समझ दू बी शीट यहाँ के अलग ले लेता हूं तो ये जो बी शीट है ये कहां से आएगी तो ये हमारा था अट्ठावीस उन्तीस तीस इकतीस और बत्तीस यानी तीस डिग्री नॉर्थ इकतीस डिग्री नॉर्थ यानी ये वाले एक डिग्री का एरिया और यहां पर तो छहत्तर से लेके छहत्तर ईस्ट से लेके सतहत्तर ईस्ट ये वाला एरिया जो हो गया वो हमारी बी शीट हो गई अब ये बी शीट को हम लोग फर्दर चार सेक्शन में तो हमने डायरेक्शन वाइज डिवाइड किया था लेकिन सिर्फ चार सेक्शन में हम लोग नहीं करेंगे उसको तो हम लोग उसको एक्चुअली सोलह पार्ट में डिवाइड करेंगे यानी एक डिग्री के और सोलह भाग तो यहां से यहां तक का ये जो है तीस डिग्री नॉर्थ है ये वाला तीस डिग्री है और यहां पर है एक तीस डिग्री तो ये एक डिग्री के चार पार्ट हो गए यानी एक पार्ट जो हो गया ये एक पार्ट जो हो गया ये हो गया फिफ्टीन मिनट्स का ये भी फिफ्टीन मिनट्स का फिफ्टीन मिनट्स का तो तीस डिग्री नॉर्थ तीस डिग्री फिफ्टीन मिनट तीस डिग्री थर्टी मिनट डिग्री 45 मिनट और 31 डिग्री नॉर्थ तो ऐसे और चार पार्ट हमने डिवाइड कर दिए तो एक शीट को फिर से हमने 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया यहां पे और उसको भी वन टू थ्री फोर वर्टिकल ऑर्डर से नंबर देना है सो तो दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो अब लो, हम लोग यदि ये ये वाले शीट का नाम पूछेंगे तो ये फिफ्टी का पार्ट था 53 में से बी रेक्टेंगल के अंदर बैठ रहा था और बी रेक्टेंगल के अंदर 16 नंबर तो बी रेक्टेंगल के अंदर या ये वाली शीट यदि गिनेंगे तो फिफ्टी थ्री बी थ्री आ जाएगी फिफ्टी थ्री बी थ्री आ जाएगा सो लाइक वे यू कैन गिव द नंबर तो यहाँ पे हमारी जो शीट है ये चार रो और चार कॉलम में हमने डिवाइड कर दी तो हर एक जो सेक्शन है उसकी स्केल हमारी वन एस टू फिफ्टी थाउजेंड आ जाएगी यानी थोड़ा और ज़्यादा डिटेल आपको वहाँ पे दिखाई देगा और इस प्रकार से हम लोग उसको और सब डिवाइड कर सकते हैं अब ये सब डिवाइड होने के बाद में यानी आपको यहां पे समझ में आएगा कि ये 28 डिग्री यहां से नॉर्थ से लेके तो 32 डिग्री नॉर्थ ये जो चार डिग्री का एरिया था इसको हमने पहले एक एक डिग्री में डिवाइड कर दिया यानी ये हो गया उनतीस डिग्री नॉर्थ तीस डिग्री नॉर्थ इकतीस डिग्री नॉर्थ और ये बत्तीस डिग्री वैसे यहां पे ये छिहत्तर था तो ये सतहत्तर डिग्री ईस्ट अट्ठहत्तर डिग्री ईस्ट उन्नासी डिग्री ईस्ट और अस्सी डिग्री ईस्ट तो इस प्रकार से एक एक डिग्री का ऐसा भी पार्ट हो गया तो एक शीट हमारी एक डिग्री व एक डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही उसको भी हमने सोलह भाग में डिवाइड कर दिया तो एक शीट अपनी पंद्रह मिनट बाय पंद्रह मिनट की इसके अंदर आ गए बराबर तो अब ये वाली शीट का नंबरिंग में करता हूं तो क्या होगा 53 का पार्ट बी है और बी के अंदर तीन नंबर की शीट है बी के अंदर तीन नंबर की शीट है सो फिफ्टी थ्री बी थ्री ऐसा मैं बोल सकता हूँ लेकिन हालांकि इसके अंदर भी हमने चार सेक्शन किए थे तो ये वाला सेक्शन आएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट तो इस प्रकार से हमने एक में चार डायरेक्शन दिखाई गई थी तो यदि हम लोग पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे नाम देना चाहते हैं समझ लो ये नॉर्थ का यहाँ का एरिया है तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके सोलह भाग करना पड़ेगा भाग अब सोलह भाग कर देंगे तो यह वाला भाग कौन सा आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन नंबर में आ गया और यह आ गया नॉर्थ के अंदर एन वाले स्केल एन वाले शीट में और एन शीट के वजह भी यह साउथ ईस्ट में आ जाएगा तो यहां पे हम लोग इसको फिफ्टी थ्री एन शीट है एन शीट के अंदर सोलह नंबर है साउथ ईस्ट यानी साउथ ईस्ट इसके अंदर तो साउथ ईस्ट के अंदर सोलह नंबर के रेक्टेंगल में आपका जो भी टोपोशीट का नंबर या मैप होगा सो लाइक वे यू कैन सब डिवाइड इंटू सिक्सटीन कॉलम ईच डिग्री इज डिवाइडेड इंटू फोर बाय फोर कॉलम तो पंद्रह पंद्रह मिनट का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये एक मैप में आपके कवर हो रहा है तो so, हर एक टोपोशीट में आपको पंद्रह मिनट लैटिट्यूड से लेके पंद्रह मिनट लॉन्गिट्यूड तक का मैप जो रहता है वो मैप वन एस टू फिफ्टी थाउजेंड के स्केल से आपको मिलता है सो लाइक वे ऑल द टोपो शीट्स आर नंबर्ड एंड इन दैट वे पर्टिकुलर शीट को हमको नेमिंग देना है तो उसके अंदर भी चार चार पार्ट किए फिर से यानी चौदह नंबर की जो शीट है उसके अंदर भी चार पार्ट और कर दिए तो फिफ्टीन मिनट्स को और साढ़े सात मिनिट और साढ़े सात लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में डिवाइड हो गया तो और सब डिवाइड हो गया सब डिविजन हो गया और आपकी स्केल फिर हो जाएगी वन एस टू पच्चीस हजार तो वन एस टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में आपको और क्लियरली आप सारे टेरेन और ग्राउंड के फीचर्स जो है वो दिखा सकते हैं सो लाइक वे फॉर पर्टिकुलर ड्राॅइंग शीट, जैसा कि अभी ये वाले शीट का एरिया का नाम हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टी और फिफ्टी में चौदह नंबर की शीट कहाँ पर आ रही थी हमारी तो आपको देखना पड़ेगा चौदह नंबर कहाँ पे आ रहा था तो चौदह so, नंबर यहां पे आ रहा था या इसके अंदर का एरिया पकड़ेंगे हम तो चौदह नंबर के अंदर आएगा वो पार्ट ओ के अंदर सो लाइक वे यू कैन राइट डाउन फिफ्टी थ्री और जो भी है हमारा पार्ट ओ है एन है और फिर चौदह नंबर है उसके अंदर का और उसके अंदर का नॉर्थ ईस्ट है सो लाइक वे वन एस टू फिफ्टी थाउजेंड के स्केल में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा वो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो लाइक द ऑल द टोपोशीट्स आर फाइनली सब डिवाइडेड इंटू सेवन एंड हाफ मिनट साढ़े सात मिनट लॉन्गेट्यूड से साढ़े सात मिनट लैटिट्यूड इसके बीच का जो एरिया है उसको नंबरिंग किया गया है तो ओवरऑल में हम लोग यदि देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो अट्ठावीस डिग्री नॉर्थ से लेके 32 डिग्री नॉर्थ का जो चार डिग्री का एरिया था उसको हमने एक एक डिग्री में डिवाइड कर दिया तो उसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ऐसे नंबर दे दिए अब जो एक पार्ट है उसको फिर से 16 में डिवाइड कर दिया तो उसको वन टू थ्री फोर वर्टिकली फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ऐसे नंबर दे दिए और हर एक रेक्टेंगल को फिर से अब ये बड़े रेक्टेंगल को भी हमने इसमें डिवाइड कर दिया डायरेक्शन में चार डायरेक्शन में या ये छोटा रेक्टेंगल जो है उसको भी हमने फर्स्ट से फर्दर सब डिवाइड किया है चार रेक्टेंगल में यानी ये नंबर के शीट को भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट साथ वेस्ट साउथ साउथ ऐसे चार शीट हो जाएंगे तो यदि मैं ये ऊपर का नॉमिन क्लेचर देखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा पहले फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री के अंदर शीट कौन सी है ओ नंबर की सो so, ओ ओ के बाद में नंबर कितना आ रहा है उसका वन टू थ्री फोर के हिसाब से चौदह नंबर और चौदह नंबर के अंदर ऊपर का एरिया टॉप वाला एरिया यानी नॉर्थ ईस्ट तो ये शीट का नंबर मैं बोल सकता हूं फिफ्टी थ्री ओ फोर्टीन नॉर्थ ईस्ट इस प्रकार से ये पर्टिकुलर एरिया को आप नंबर देके पूरे टोपो शीट्स पूरे इंडिया के लिए डिजाइन किया है एंड फ्रॉम दैट वी कैन रेफर टू दिस टोपोशीट नंबर्स तो यहाँ पे आपको अभी आपके लिए एक्सरसाइज दी गई है कि अमरावती किस टोपोशीट के अंदर आता है यह हमको यहाँ पे निकालना है सो दैट इज द नंबरिंग सिस्टम फॉर द टोपोग्राफिकल मैप दैट एवरी सर्वेयर और एवरी सिविल इंजीनियर मस्ट नो तो यदि आप कोई प्लाट खरीदने जाएंगे तो वहां पे प्लाट नंबर और शीट नंबर लिखा होगा शीट नंबर बोले तो वो टोपोशीट का नंबर है वो टोपोशीट कौन सी है नाइनटीन डी तो उन्नीस नंबर का डी पार्ट जो है बी सी डी में का नीचे का पार्ट वो एरिया में आपका ये सर्वे आपका जो नगर है या कॉलोनी है या खेत है या लेआउट है वो होगा करके सो so, जब भी हम कोई भी कागज़ का जमीन खरीदी करते हैं तो वहाँ पे आपको शीट नंबर लिखा ही होता है तो so, वो शीट नंबर होता है टोपो शीट का नंबर और उसका नंबरिंग इस प्रकार से किया होता है सो फॉर पर्टिकुलर सिटी साढ़े सात से लेकर साढ़े सात लॉन्गिट्यूड इतने एरिया में जो पार्ट आता है वो एक टोपोशीट में दिखा के वन एस टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के हिसाब से जो मैप बनाया गया है वो आपकी एक टोपोशीट हो गई सो फॉर दैट यू हैव टू एक्सप्लोर आप जो शहर में रह रहे वो जो कॉलोनी में रह रहे हैं वो कॉलोनी में कौन सी शीट नंबर टोपोशीट नंबर आपकी है और वो टोपोशीट आपको इंटरनेट पर मिलती है क्या देखने के लिए यू हैव टू सर्च दैट इज योर एक्सरसाइज अब ऐसा यदि मैप हम लोग बनाते हैं तो मैप के अंदर आपको क्या क्या दिखाना चाहिए ये हम लोग अभी आखिरी में ये यूनिट के आखिरी में हम लोग देखने वाले हैं सो व्हाट आर द डिफरेंट मैप एलिमेंट्स आर देयर किसी टोपोशीट को भी आप देखेंगे तो वो ये एलिमेंट्स आपको मैप के अंदर दिखने चाहिए कि नहीं चाहिए सो दैट वी हैव टू रिमेंबर सो फॉर सर्विंग मैप लेआउट लेआउट मैप इज द असेंबलिंग ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द मैप मैप के अंदर के अलग अलग एलिमेंट्स को आपके कैसा अरेंज किया है दैट इज कॉल्ड एज मैप लेआउट दैट इज कॉल्ड एज मैप लेआउट ए सिंगल और होल इंक्लूडिंग द मैप इट सेल्फ इट्स लिजेंड टाइटल स्केल बार एंड अदर इस टाइप के अदर एलिमेंट्स आपको दिखाने हैं वहां पे द प्राइमरी पर्पस इज टू गिव द प्लेस आइडेंटिटी आपको ये मैप्स के अंदर एलिमेंट्स दिखाना क्यों जरूरी है उसका रीजन है मैप के अंदर ये लिखना जरूरी है हमेशा सो ए मैप लेआउट इज ए पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ द थिंग्स वो क्यों है वहां पे उतनी चीजें आपको मैप में क्यों दिखानी है सो बिकॉज इट गिव्स द प्लेस आइडेंटिटी इट गिव्स द ओरिएंटेशन डायरेक्शन दिशा कहाँ पर है आपकी इट गिव्स द सब्जेक्ट मैटर किस चीज के लिए वो मैप बनाए और उसके अंदर सिंबलाइजेशन कौन से कौन से यूज किए आपने सो फॉर ऑल दिस यू हैव टू शो द पर्टिकुलर मैप लेआउट सिस्टमैटिकली स्टैंडर्ड पद्धति से आपको मैप का लेआउट आपने बराबर दिखाना चाहिए सो फॉर दिस पर्पज यू मस्ट नो दट आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैप तो मैप के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए वन बाय वन वी विल सी कोई भी मैप आप बनाते हो तो वो मैप के अंदर आपको पहले टाइटल लिखा होना चाहिए मैप का क्या टाइटल है टॉप के अंदर ऊपर में लिखा होगा आपका टॉप मैप के अंदर जैसा कि यहां पर अभी मैप में दिखाएंगे हम लोग देन अनदर इज स्केल सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपने वो मैप बनाने के लिए कौन सी स्केल यूज की है सो स्केल यू टू इंडिकेट सो फर्स्ट इज टाइटल देन स्केल देन लीजेंड लिजेंड बोले तो अनुक्रमणिका या इंडेक्स यानी जो आपने कलर कोडिंग या जो भी सिंबलाइजेशन यूज किया होगा उसका एक तख्ता आपको दिखाना पड़ेगा जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई ये एयरपोर्ट का सिंबल ऐसा है बोट का सिंबल ऐसा है रेस्ट रूम का सिंबल ऐसा है इंफॉर्मेशन डेस्क का सिंबल ऐसा है तो ऐसे अलग अलग सिंबल किस चीज के लिए यूज किए हैं ये जहाँ पे दिखाया गया है उसको हम लोग बोलेंगे लिजेंड तो एक लीजेंड का टेबल आपको मैप में हर मैप के ऊपर लिखा होना चाहिए यानी कौन सी ग्राउंड रेसिडेंशियल एरिया है कौन सा फॉरेस्ट एरिया है कौन सी वाटर बॉडी है सो लाइक वे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू मार्क एंड फॉर दैट है लीजेंड टू एनी पर्टिकुलर मैप उसके बाद में फिर स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलर मैप काय के लिए है उसकी शॉर्ट में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन ये आपको स्पेसिफिकेशन में लिखना चाहिए यदि स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आप डिटेल्स भी कई बार इंक्लूड कर सकते हो बट दे आर नॉट मैंडेटरी स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स आर नॉट मैंडेटरी फिर बाद में आपका की मैप होना चाहिए की मैप बोले तो जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ा मैप है सो तो ये बड़ा मैप एक छोटे मैप का पार्ट है और उसके अंदर का इतना एरिया मैंने रेड कलर से शेड कर दिया और ये जो मैप है ये और एक छोटे मैप का पार्ट है तो इसमें से मैंने कौन सा पार्ट इसमें दिखाया और इसमें से कौन सा पार्ट मैंने यहाँ दिखाया ये बड़े वाले मैप में ई हैव रिप्रेजेंटेड तो की मैप आपको दिखाना पड़ेगा तो की मैप दो तरीके से दिखा सकते छोटा मैप उसका एनलार्ज मैप और उसका एनलॉर्ज मैप या फिर आप दिखा सकते हैं कि यह पूरा मैप है और इसने पर्टिकुलर एरिया को एनलार्ज करके मैंने यहाँ पे दिखाया और उसके अंदर मेरा पर्टिकुलर प्लाट जो है वो मैंने हाईलाइट कर दिया तो लाइक वे इनसाइट मैप यू कैन गिव और यू कैन शो दिस टाइप ऑफ की लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर लैंड एरिया वॉट एवर यू आर डिटेल यू आर शोइंग इन द मैप की so मैप आपको दिखाना चाहिए देन स्मॉल ये की मैप के लिए आप स्मॉल स्केल इनसेट या फिर लार्ज स्केल इनसेट ये दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं ये यहां पे स्मॉल स्केल इनसेट दिखाया मैंने यानी ये बड़ा एरिया ये छोटे इसमें और छोटे इसमें और छोटे इसमें यहाँ पे बड़े एरिया में से एनलाज करके दिखाया मैंने उसके अंदर पार्ट सो स्मॉल इंसाइट एंड लार्ज इन दोनों टाइप से आप यूज कर सकते देन यू हैव टू शो द डिटेल मैप डिटेल मैप बोले तो जो भी आप पर्टिकुलर एरिया का मैप होगा जैसा कि अब यहाँ पे ये डिटेल मैप है फिर इसके अंदर में के जो अलग अलग जो स्टेट्स की बाउंड्री है वो सब दिखाई वाली है सो दिस इज डिटेल मैप विच एक्चुअली विच इज द मेन एलिमेंट ऑफ द एनी मैप बड़े कोई भी मैप में डिटेल मैप जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके बाद में फिर इंजीनियर या सर्वेयर कौन है उसका नाम यानी ड्राइंग प्रीपेयर्ड बाय या मैप प्रिपेर्ड बाय उसका नाम लिखा होना चाहिए एंड इफ दैट वॉज अप्रूव बाय सम एजेंसी सम अथॉरिटी तो वहां पे अप्रूव बाय वो है वो भी आएगा यहाँ पे तो नक्शे में आपके इंजीनियर या सर्वेयर प्रिपेयर बाय ड्रॉन बाय चेक बाय अप्रूव बाय ये सारे अथॉरिटी के नाम वहां पे आने चाहिए देन डेट ऑफ द मैप ऑन विच द मैप इज प्रिपेयर दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो पर्टिकुलर डेट के लिए वो टोपोग्राफी है वहाँ पे हो सकता है कुछ दिन के बाद में वहां पे बदलाव आ जाए तो डेट के साथ में आपका मैप चेंज हो सकता है सो डेट यू हैव टू राइट डाउन ऑन द मैप देन वी हो टू राइट डाउन द शीट नंबर यानी टोपो शीट का नंबर आपको लिखना चाहिए या फिर वो पर्टिकुलर शीट का क्या नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वो नंबरिंग आप कर सकते हो और आपके साइन का बॉक्स भी ओपे होना चाहिए वॉट एवर द पर्सन दैट मैप हैज प्रिपेयर सो ऑथेंटिकेट पर्सन हैज साइन दैट मैप सो लाइक वे ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द मैप दैट शुड बी शोन ऑन ए पर्टिकुलर मैप लेआउट तो यहाँ पे दो चीज और इंपॉर्टेंट है जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि आप ग्राफिकल स्केल बना सकते हो उसके अलावा आपको फिर नॉर्थ डायरेक्शन दिखानी है तो नॉर्थ डायरेक्शन भी आप मार्क कर सकते हो मैप के अंदर आप लीजेंड लिख सकते हो फिर आपको इनसाइड्स और आउटसाइड के लिए की लोकेशन के मैप भी आप दिखा सकते हो सो इंक्लूडिंग दिस ए कंप्लीट मैप इज प्रिपेर सो फॉर एनी फील्ड सर्वे द फाइनल आउटपुट इज द मैप ऑफ पर्टिकुलर एरिया तो ये मैप बनाने के लिए जो भी एलिमेंट्स आपको दिखाने हैं वो एलिमेंट्स में आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि बैलेंस एंड द निगेटिव स्पेस का यूज आपने सिस्टमेटिक करना चाहिए जो ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर आप बराबर कुछ ना कुछ लिखने के लिए टेबल लिखने के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए सिम्बॉलिंग सिम्बॉलिक यूज करके आपको स्पेस का यूटिलाइजेशन पूरी तरह से आप कर सकते हो सो बैलेंस एंड निगेटिव स्पेस का यूज करके आप अलग अलग कोडिंग दिखा के मैप को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो सो दैट थिंग ऑल्सो यू ऑर टू रिम्बर एंड लाइक वे ए इन पर्टिकुलर मैप जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर पहले छोटा लोकेशन मैप है फिर तो उस पर से की मैप है और उसका एग्जैक्टली जियोग्राफिकल लोकेशन ये मैप में दिखाया गया है और इसके बाद में फिर उसका बड़ा रिप्रेजेंटेशन टू द लार्ज स्केल यहाँ पर दिखाया है इसके अंदर फिर अलग अलग कलर कोडिंग यूज़ की है शेडिंग यूज़ की है अलग अलग साइज़ की बाउंड्री यूज़ की है और उसका यहाँ पर लीजेंड दिया है फिर डॉटेड बाउंड्री रेड कलर बाउंड्री ग्रीन शेडिंग कौन सा कौन सा कलर को क्या क्या एरिया का नाम दिया है दैट लीजेंड इज शोन हियर एंड ऑन दैट हीजेंड ऊपर में यहाँ पे आपको स्केल और उसका स्केल प्रिपेर डिटेल दिया है स्पेसिफिकेशन शॉर्टकट में और यहाँ पे दिया है टाइटल और अथॉरिटी किसके लिए है ये मैप यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई है और यहाँ पे ग्राफिकल स्केल दिखाई गई है और फिर लीजेंड उसके बाद में फिर अप्रूव बाय सेंक्शन बाय साइन बाय और कंपनी का या शीट का नॉमिन डेट सिग्नेचर इस टाइप से एक पर्टिकुलर मैप का लेआउट आपको बनाना होता है एंड दैट इज द अल्टीमेट आउटपुट ऑफ द फील्ड सर्वे तो इस सर्वे के यूनिट में हमने सात लेसन के जरिए हमने देखा है कि व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग फॉर सर्वे स्केल कैसी रहेगी एक्यूरेसी क्या रहेगी प्रिसीजन क्या रखना है यूनिट कन्वर्शन कौन से इस्तेमाल करना है कौन से टाइप से प्रोजेक्शन हम लोग मैप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड हाउ द टोपोशीट्स आर Numbered and then what are the elements of the map layout. So, here uh, the first unit of the survey subject is completed. So, thanks for watching this video series for surveying. In the next second unit, again now we will go for one by one, and that is regarding the linear measurement <coughs> or particularly chain survey. So, that we will learn in the second unit. Till then, goodbye and thank you.